मुंबई से सटे शहर नवी मुंबई के तलोजा क्षेत्र में एक बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक जो एसी रिपेयरिंग का काम करता है, वो एक बिल्डिंग में गया था रिपेयरिंग करने, और वहाँ से निकलने के बाद उसने एक बच्ची को, सोसाइटी के बच्ची को उठाया और लिफ्ट में ले जाकर दुष्कर्म किया है। ये बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना आई है तलोजा नवी मुंबई से। बताया जा रहा है कि नवी मुंबई के तलोजा परिसर में एसी रिपेयर करने आए मैकेनिक ने बिल्डिंग की लिफ्ट में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी मिली है कि नवी मुंबई के तलोजा पुलिस थाने की एक इमारत के बाहर 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 19 वर्षीय एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी युवक है, ये एक बिल्डिंग में एक कमरे में एसी रिपेयर करके निकला हुआ था और वहां पे आने के बाद उसने सोसाइटी में देखा तो वहां पे एक बच्ची खेल रही थी और आसपास कोई मौजूद नहीं था। मौका देखकर उसने बच्ची को उठाया और ले जाकर लिफ्ट में उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसे आगे की रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। सर, क्या देंगे, किस तरह का पॉक्सो ये है जो आरोपी को आपने यहां पे अरेस्ट किया गया है? एग्जैक्ट घटनाक्रम क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तलोजा फेज वन है, तलोजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ कविश साई बिल्डिंग करके है। वहाँ दिनांक 6/12 को 7:30-8 बजे के दरमियान ये बच्ची अपने पार्किंग एरिया में खेल रही थी, तो आरोपी ये कविशा साई बिल्डिंग में एसी रिपेयर करने के लिए आया था। उसके बच्ची के रहने वाले बगल के फ्लैट में आया था वो, तो उसने नीचे दुरुस्ती का काम करते हुए वापस जाते हुए नीचे बच्ची को पार्किंग में खेलते देखा। उसने लड़की को पास में बुलाया और उसने वो लड़की को लिफ्ट में लेके ऊपर गया और लिफ्ट में ही उसने लड़की से लैंगिक अत्याचार किए, उससे सेक्सुअल असल्ट किया उसने। फिर वो लड़की डर के मारे फिर वहाँ से भागी और घर में जाके वोमिट कर रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो लड़की की उम्र 5 साल 3 महीना है, उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है लिफ्ट में। तो माँ तुरंत अपने हस्बैंड के साथ में नीचे आई और उसने देखा कि वो आदमी कहाँ है, तो वो पूछते पूछते वहाँ गर्दी जमा हुई और आरोपी वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ, पूछते पूछते वहां गर्दी जमा हुई और आरोपी वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ में घिनौना काम किया है, इसकी वजह से उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा, पुलिस स्टेशन में लाया, हमारे तुरंत यहाँ गुना दाखिल किया गया, 376 IPC की धारा है और पोस्को 4 और 8 के अंतर्गत उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर रहे किया, गुना दाखिल किया है। आगे की तफ्तीश हमारे सहायक पुलिस निरीक्षक गोरे कर रहे हैं और आगे आरोपी ने यहाँ कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं की है, गुने दाखिल है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं, आगे की तफ्तीश चालू है। आरोपी ये फिलहाल तलोजा में एसी का काम करता है और वो मूल रूप का आजाद नगर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।